अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जिन बच्चों के वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगे हैं, जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है, और ख़ास करके स्टूडेंट 9th क्लास से लेकर 12th तक के लिए, वो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लें। ओखला विधानसभा के अंदर नून नगर जो स्कूल है, वहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, मुदस्सिर मैम। मुदस्सिर मैम, कुछ किस तरह के बच्चों के कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पर? वो बच्चे जो 15 से 18 से कम के हैं, 15 साल से ऊपर के हैं, 18 से कम के हैं, उन सभी बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है नूर नगर में आज और कल। अभी कुछ 500 के करीब बच्चों ने आज लगवा ली है, जो रह गए हैं वो कल लगवा सकते हैं, कल भी टाइम 10 से 5। या फिर वैसे तो टीचर्स और हम लोग सब हेल्प कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। देखिए, अगर किसी को, अगर बड़े हैं जैसे 18 साल से ऊपर की उम्र है, तो उसकी गली नंबर 7 जाकिर नगर के बिल्कुल लास्ट में जाकर न्यू वे पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर लग रही है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। और जिसे 15 से 18 के बीच में लगवा रही है, वो नून नगर स्कूल में लगवा लें। और कोविड टेस्ट अगर किसी को कराना है, तो कोविड टेस्ट बटला उसकी डिस्पेंसरी है, बटला उसकी डिस्पेंसरी में हो रहा है, जो 16 में जो डिस्पेंसरी है उस काम, और क्या नाम है आपका, ये कोविड की टेस्टिंग जो हो रही है बटला उसकी डिस्पेंसरी, बड़े बरातघर के पीछे डिस्पेंसरी वहाँ पर है, जो 16 में डिस्पेंसरी है। और क्या नाम है, एक डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक जो एस्कॉर्ट के पास में, जो सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन है, वहाँ भी वैक्सीनेशन वो कोविड टेस्टिंग का काम चल रहा है। यानी कोविड टेस्टिंग बटला हाउस में, बड़े बरातघर के पीछे डिस्पेंसरी में, मोहल्ला क्लिनिक सुखदेव विहार और जसोला में भी हो रहा है। और वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बीच में नून नगर स्कूल में, वो सिर्फ कल ही कल चलेगा, और कल के बाद में दूसरे स्कूल देखेगा। और 18 साल के ऊपर जिसे लगवानी है वैक्सीन, वो न्यू पब्लिक स्कूल में जाकर लगवा सकता है। न्यू पब्लिक स्कूल गन्ना बरसा जाकिर नगर में बिल्कुल लास्ट में जाकर, जमुना किनारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।